तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहना। आज देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मटर का निमोना। फ्रेंड्स, आपने खाया होगा, पहले बनाया ज़रूर होगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए मैंने मटर ले लिए, जो मशरूम के लिए मैंने मटर मंगाई थी, ज़्यादा हो गई थी तो मैंने वही रख ली थी। और छोटे छोटे दो, मतलब एक बड़ा आलू ले लिया, एक छोटा, दो आलू ले लिए हैं। और यहाँ देख तक ये छोटे छोटे पीस में मैं आलूओं को काट रही हूँ। लहसुन ले लिया है, छोटी सी अदरक ले ली है एक टुकड़ा। यहाँ देखिए दो साबुत लाल मिर्च ले ली है। और अब मैं इसको अच्छे से धो लिया है मैंने, और अब इसको मिक्सी के जार में हल्का दरदरा पीसूँगी। लहसुन, मिर्ची, अदरक इसमें डाल दी है मैंने, देखिए दरदरा दरदरा पीस लिया है। और क्या बोलते हैं, आप लोग एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। यहाँ देखिए मटर दरदरी मैंने पीस ली है मिक्सी से। और ठंड भी इतनी ज़्यादा होने लगी है फ्रेंड्स, मैंने फटाफट चाय भी बनाई है, चाय भी पीती जा रही हूँ साथ साथ में, और खाना भी बनाती जा रही हूँ। कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पर, और साथ में प्याज भी काट रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैंने सोचा फटाफट प्याज काट लेती हूँ। और ले ली है हींग, क्योंकि हींग से मैं पिसी हुई मटर को भूंजूंगी अच्छे से। और तेल अच्छे से गर्म हो गया है, और अब इसमें डाल दिए मैंने हींग। और जो मटर मैंने दरदरी पीस के रखी थी वो मैं डाल दूँगी कढ़ाई में फ्राई होने के लिए। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, क्योंकि जो हरी हरियाणसी आती है मटर की वो इसमें नहीं आएगी, खूब अच्छे से फ्राई करने के बाद। और धीरे धीरे मैं कम गैस कर दी है मैंने, आराम से फ्राई होगी वो। और यह मैंने छौंकने के लिए बड़ा प्याज काट लिया है, लहसुन कद्दूकस कर रही हूँ मैं, एक कली लहसुन के लिए है, और अदरक दोनों कद्दूकस कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस समय मैं कद्दूकस करके सब्जी बना रही हूँ, बड़ा अच्छा ही टेस्ट आ रहा है। और एक हरी मिर्ची ले ली है, देखिए वो भी मैं इसी में काट दूँगी। प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च सब एक में ही मैंने आज कर दिया है। और बड़े बड़े टमाटर ले लिए हैं तीन, जिससे खट्टी खट्टी सी निमोना की सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी सब्जी कैसी लगी है देखने में। देखिए मटर कितनी अच्छी से फ्राई हो गई है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक थाली में, और थोड़ा सा तेल डालूँगी, जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में आलू काटे थे, अब उन आलुओं को भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी अच्छे से। देखिए धीरे आंच में मैं आलुओं को फ्राई करूँगी, आप देख सकते हैं इस तरीके से आलू फ्राई करके बनाएं, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है खाने में। और आज मेरे बच्चे तो बोल रहे हैं कि मम्मी फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो, कैसी लगेगी खाने में। मैंने यही बोला, बना रही हूँ, आप लोग खा के देखना कितनी अच्छी लगेगी। और यहाँ देखिए मटर कितनी अच्छी सी फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल घुरी नहीं है, और ना ही मैंने ज़्यादा पीसी थी, जो वो वैसी ज़्यादा पिस जाती, इसीलिए मैंने हल्की हल्की ही दरदरी पीसी थी। आलू भी फ्राई हो चुके हैं, और मटर भी अच्छे से पीसी हुई मटर फ्राई हो चुकी है। यह हमें थोड़ा सा ले लिया है तेल, और उसमें डाल दिया है मेथी के दाने, इसी से आज छौंकूंगी। और कटा हुआ लहसुन, अदरक और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है, सुनहरा लाल, इसको अच्छे से भूंज लूँगी। और इसके बाद अब डालूँगी पिसे हुए मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, इसमें थोड़ा सा मिला लिया पानी, यह देखिए अच्छे से इसको मैं मिला के, और अब कढ़ाई में डाल दूंगी इसको, जिससे फटाफट सब्जी मेरी बनके हो जाएगी तैयार। और अब डाल रही हूँ मैं टमाटर, टमाटर को अच्छे से इसमें गल जाने दूंगी, उसके बाद ही मैं आलू और पिसी हुई भुजी हुई मटर इसमें डालूंगी। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है सब्जी का, जो हरा हरा सा होता है। मैंने देखा था कि वीडियो में कि ये मतलब निमोना हरा भी हरा होता है, कम हल्दी डाली जाती है, पर मैंने हल्दी थोड़ी सी डाली थी क्योंकि बच्चे नहीं खाते हरा हरा देख के। और आप देखिए मैंने आलू और मटर अब डाल दिया है इसमें, और अब अच्छे से इस मसाले में मैं सब्जी को मिला दूँगी। टमाटर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पक चुके हैं इसके अंदर।
और बस इसको थोड़ी देर मैं भूंज के और फिर इसमें लगा दूंगी मैं पानी, क्योंकि चावल खाने हैं इसके साथ रोटी भी खानी है, इसीलिए रसा लगाना बहुत ज़रूरी है। और अब देखिए मैंने लगा दिया इसमें पानी। बस थोड़ी देर अब मटर और आलू अच्छे से गल जाएंगे रसे में, तब तक मैं काट लूँगी हरे धनिए। और सब्जी खोलने लगी है अच्छे से हरे धनिए, भाई हरे धनिया आपको पता है मैं डालती डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैं हरे धनिया ज़रूर डालती हूँ सब्जी में। यहाँ देखिए आप गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी के साथ मटर का निमोना कितना अच्छा तैयार हो गया है, और बन चुकी है सब्जी मेरी। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा रसा है इसका और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स अब मैं इसमें डालूंगी हरे धनिए और अब सब्जी और भी टेस्टी हो जाएगी। ये बस इसको गर्मा गर्म चाहे चावल के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्जी। मैं तो चावल के साथ खाऊंगी क्योंकि मुझे चावल के साथ ये खट्टी खट्टी फर्स्ट टाइम बनाई है मैंने निमोना की सब्जी, तो मैं तो चावल ही के साथ खाऊंगी। अब चावल मेरे वैसे भी फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा। और आप लोग फ्रेंड्स इस तरीका से ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बड़े सब खाएंगे उंगली चाट के। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी निमोना की सब्जी कैसी लगी। वीडियो को शेयर भी करना, और आप लोग देख सकते हैं मैं तो मज़े में खाने में लगी हुई हूँ क्योंकि मुझे खाना देख के बिल्कुल तसल्ली नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने निमोना की सब्जी और चावल खा रही हूँ। और बहुत ही लाजवाब बना है, बहुत ही टेस्टी बना है ये, यहाँ देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।